जय माता दी, जय माँ कामाख्या। साधना उपासना, इसके बारे में आज भी विचार विमर्श करेंगे। आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, शांति से रहस्यमय ज्ञान सुनिए। आप सभी साधना के लिए आए हुए हो, साधना करना है। इस शरीर को उस इष्ट के प्रति साधना है, या फिर उस इष्ट को अपने प्रति साधना है। पहले ये चीज समझ ली जाए कि साधना क्या होती है, उपासना क्या होती है, कैसे उपासना करना चाहिए। उपासना का मतलब है भगवान के समीप जाना और भगवान जैसा गुणों को अंगीकार करना, उसे उपासना बोलते हैं। और साधना में यह है कि हम उस ईश्वरी तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने आप में, मतलब मन कर्म वचन से परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे साधना कहते हैं। साधना कोई रास्ते में दुकानों पर बिकने वाली चीज नहीं है कि आप साधना खरीद लोगे। कलयुग चल रहा है, बहुत से व्यक्ति साधना बेचने लगे हैं, सिद्धियां बेचने लगे हैं। अरे, भगवान ने आपको ज्ञान दे दिया है, बुद्धि दे दी, उससे तो पता करो कि क्या साधना नाम की चीज या सिद्धि नाम की चीज दुकानों पर मिल सकती है। और जो ऐसा कहते हैं कि साधना खरीद लो, सिद्धियां खरीद लो, 10 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, 15 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ऐसे सभी मनुष्य 100% पूर्ण रूप से फ्रॉड हैं, फ्रॉड, सब झूठे वाले हैं, धर्म को बदनाम करने वाले हैं, और बिना मेहनत की कमाई खाने वाले हैं। भगवान ऐसे लोगों से सबको बचाए, परंतु कुछ हमारे यहां पे मूर्ख लोग भी हैं। हो सकता है आप जो भी यहां पे बैठे हुए हो, 50-60 व्यक्ति, उनमें से भी आप व्यक्ति में भी कोई गया होगा साधना खरीदने के लिए, सिद्धि खरीदने के लिए गए होंगे। हो सकता है आपने यहीं से पैसे जमा कर दिए होंगे और बोला होगा कि ये मंत्र इतने दिन कर लो, इस तरीके से कर लो, सिद्धि मिल जाएगी। क्या सिद्धि मिली? नहीं मिली। तो सिद्धि और साधना कोई दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं, जो रस्ते में रस्ते चलते आपको मिल जाएगी। कई बार मनुष्य को कई बार जन्म लेना पड़ता है, कई जन्म निकल जाते हैं उस भगवान का नाम लेते लेते। कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है, कई दिनों तक प्यास से मरना पड़ता है, अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना पड़ता है, इस स्वाद के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है, हमारे शानों शौकत के ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है, ऐश आराम अय्याशी पर नियंत्रण करना पड़ता है, समय समय पर उठना पड़ता है, समय पर सोना पड़ता है, समय पर पूजा करना होती है, आलस्य को जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है, तब जाके साधना प्रारंभ होती है। तो एकाग्रचित होना सबसे बड़ी बात है। पहले तो, और उपासना में भी आपकी श्रद्धा होना चाहिए, आपकी भावना कैसी है वो होना चाहिए, आपकी कामना क्या है वो होना चाहिए। तो साधना और उपासना में जमीन आसमान का अंतर है।
आप जो आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधु हैं, जो साधना के लिए आए हुए हैं, यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। शंका बिल्कुल भी नहीं रखना है, कुशंका बिल्कुल भी नहीं रखना है। और आपस में साधक भी कोई भी खुसफुसाहट भी ना करें, जो भी पूछना सीधा मेरे से बात करो, ताकि आपको उस ज्ञान की जो रस्सी है, वो ज्ञान की रस्सी सीधी रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई बल नहीं आना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो उपासना का शाब्दिक अर्थ यदि अपन लेकर के चलें, तो बोला जाता है कि समीप बैठने का प्रयास, उपासना। उप यानी समीप, आसना यानी स्थिति, इन दोनों को मिला दोगे तो उपासना बनता है। अर्थात अपने भगवान से, इष्ट देव से, तल्लीनता से मिलने का प्रयास करना उपासना कहलाता है। इसलिए स्त्रियां ज्यादा उपासना करती है, भूखे पेट ज्यादा रहती है, उसे ही उपासना कहते हैं। भगवान का नाम लेती रहती है, पति की सेवा करती है, इससे बड़ी उपासना और क्या होगी। इसलिए वो स्वस्थ भी रहती है। स्त्रियां ज्यादा जल्दी नहीं मरती जितने कि मनुष्य लोग मरते हैं, क्योंकि वो उपासना नहीं करते। यानी सब प्रकार से ईश्वर के समीप रहकर ईश्वर की सेवा करना ही उपासना है। तो उपासना करने के लिए सबसे पहले तो मंदिर होना चाहिए। मंदिर के साथ साथ पीपल का वृक्ष होना चाहिए, बेलपत्ती का वृक्ष हो तो और अच्छी बात होती है, नीम का वृक्ष हो तो और अच्छी बात होती है, वट वृक्ष हो तो और अच्छी बात मानी जाती है। पानी हो, बहता हुआ पानी हो, झरना हो या फिर कुआं हो, तुलसी का पौधा होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, आसपास गाय पलती हुई होना चाहिए, गौमूत्र का सेवन होना चाहिए, गाय के गोबर से लीपना चाहिए। तो ये सब चीज उपासना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन सब चीजों में सात्विकता बसी हुई होती है, तो साधना करने के लिए इन चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हो। यानी इष्ट देव का ध्यान करना, ओम मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वात आत्मजम वानरुत्मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ये। तो इष्ट देव यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी आपका इष्ट है उसका ध्यान आपको आना चाहिए पहले तो। यदि आपको उनका ध्यान मंत्र नहीं आता है तो आपको सीखना है। अब यहां पे आए हो उपासना करने, साधना करने, तो आपको ये मंत्र सीखना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिनका जो जो भी इष्ट हो, जिसकी वो साधना करने के लिए आए हैं, चाहे वो काली माँ की, कंकाली काली की, भद्रकाली की, दुर्गा माँ की, ज्वाला माँ की, भैरव जी की, हनुमान जी की, या अपने कुल देवी देवता की, तो सब अपनी अपनी पर्ची में लिख करके मुझे बता दे, ताकि सबको मैं हर देवी देवता का एक एक ध्यान मंत्र आपको बता दूंगा, ताकि वो ध्यान मंत्र आपको विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर याद करना है। तो सर्वप्रथम आपको इष्ट देवता का ध्यान आना चाहिए, ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है, उनको नमस्कार करना है, उनकी पूजा करना है, उनके जप करना है, उनके नाम से होम करना है, उनके नाम से भक्ति भी करना है, दास्य भाव से भक्ति करना है, और उनको सुख सामीप्य रहना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सुश्रा परिचर्चा करना है, उनकी आराधना भी करना है, उनका चिंतन भी करना है, उनका मनन भी करना है। यह सब क्रियाएं ही उपासना और इसके आगे साधना में सफलता दिलाती है। अब आपने आज तक ये सब काम किया ही नहीं, इसे भटक रहे हो,
किसी गुरुजी के पास चले गए तो गुरुजी ने बोला जा ये मंत्र कर ले, रोज 1000 मंत्र जप कर लेना या 5000 मंत्र जप कर लेना। आपने करते गए हो सकता है 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 जप हो गए, परंतु फिर भी कोई भी सुरूर उत्पन्न नहीं हुआ। सपने में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, सपने में भी इष्ट के दर्शन नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का अनुभव हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इष्ट देव का कभी ध्यान ही नहीं किया। इष्ट देव को अब क्या क्या करना चाहिए एक बार और पुनः बता देता हूं, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। किताब आपके पास में हमने दी हुई है, उस किताब में यह सब चीज लिखा हुआ है। साधना सिद्धि नामक जो किताब आपको दी, सब अपनी अपनी किताब खोल करके निशान लगा लें और एक बार और इस चीज के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना है। सिद्धि लेना है तो क्या करना है आपको? इष्ट देव का ध्यान करना है, इष्ट देव को प्रणाम करना है रोजाना, उनको नमस्कार करना है, उनकी पूजा करना है, उनका जप भी करना है, उनका होम करना है, उनकी भक्ति करना है, अपने इष्ट देवता को दास्य भाव से साथ में रहना है, सुख और समीप्य रहना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सुश्रेषा परिचर्चा करना है, अच्छी परिचर्चा करना है, उनकी आराधना भी करना है, उनका चिंतन भी करना है, उनका मनन भी करना है। ये सब क्रियाएं ही आपको साधना दिलाएगी। अब हम एक उदाहरण के रूप में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में कोई हनुमान जी की साधना वाला हो, कोई भैरव जी की साधना वाला हो, कोई देवी जी की साधना वाला हो, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। इसी तरीके से सबका आपको ध्यान रखना है, देखना है। अब एक उदाहरण के लिए लेके चल रहे कि हनुमान जी की उपासना करना है, हनुमान जी की साधना करना है, तो पहले तो हनुमान जी है क्या उनके बारे में ये पता करो। तो हनुमान जी का जो देखा जाता है, जो पढ़ने में आता है, जो टीवी पे सुना होगा आपने, उसमें यह चीज आती है कि भक्त शिरोमणि अनिष्ट विनाशक समस्त कामनादायक श्री हनुमान जी के समीप बैठने का प्रयास करना। कितनी अच्छी बात है, भक्त शिरोमणि, क्योंकि उनने जो भक्ति की है राम जी की, अनन्य भक्ति की, अनन्य भक्ति जिसको बोलना चाहिए, निष्काम भाव से भक्ति की है। हनुमान जी को क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए निष्काम भाव से भक्ति की है। तो भक्त शिरोमणि अनिष्ट विनाशक, अनिष्ट का भी विनाश करने वाले हैं, समस्त कामनादायक और सभी प्रकार की कामना प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी के समीप बैठने का प्रयास ही हनुमान जी की उपासना और साधना है। अब ये भी कह सकते हैं कि जिस किताब में श्री हनुमान जी, महावीर जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु पूजन के बारे में बताया गया हो, स्तुति के बारे में बताया गया हो, वंदना के बारे में बताया गया हो, वैदिक और लौकिक विधि का वर्णन किया गया हो, ऐसी किताब को हमेशा साधना सिद्धि कह सकते हैं, उपासना शास्त्र कह सकते हैं। अब सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि आप उपासना क्यों करना चाहते हो? आप परिवार वाले हो, हो सकता है किसी की शादी न भी हुई हो आप में से, तो शादी नहीं हुई उसके पहले भगवान से इतना ज्यादा प्रेम कि आप उनको सिद्धि लेना चाहते हो, और यदि आपने विवाह कर भी लिया, बच्चे भी पैदा हो गए हैं, तो अब भगवान की आवश्यकता क्या? तो पहले तो मन मस्तिष्क में यह चीज निकाली जाए कि उपासना क्यों करें, यह अर्थ निकाला जाए। अब आप तो आए सिद्धि लेने के लिए, पर सिद्धि बिना उपासना के तो नहीं मिलती है।
तो मनुष्य किस लिए आता है? हमारे दुखों का अंत हो जाए। पहली बात, उपासना और साधना करने का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए, वो हमारे दुखों का अंत कर दे, हमें धन दे दे। अधिकतर साधना उपासना का अधिकतर का उद्देश्य यही होता है। और मैं कहता हूं साधना उपासना का अर्थ जो है निष्काम भाव होना चाहिए, कोई उसमें मांग नहीं होना चाहिए। तो संसार के सारे धर्म ग्रंथ और आध्यात्म का निष्कर्ष यह है कि उन्हें ढूंढने पाने और मनन करने का उद्देश्य यह है कि मानव अपनी अवस्था के अतिरिक्त धन प्राप्त करने की ओर भटक रहा होता है, परंतु संपूर्ण सुख साधन प्राप्त होने के पश्चात भी जब उसे शांति नहीं मिलती है तो वह देवी देवताओं से वह शांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु उन्हें प्राप्त करना हो तो आसान नहीं है और उन्हें प्रसन्न करना भी आसान नहीं है, यानी हनुमान जी को या किसी भी देवी देवता को। फिर देवी देवता को प्रसन्न करने हेतु मार्ग ढूंढा जाता है, तब उसे उनकी उपासना पूजन अर्चन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उनके मंत्र क्या है, उनके यंत्र क्या है, उनके तंत्र क्या है, किस चीज से वो प्रसन्न होते हैं और क्या कर्म हमें करना चाहिए जिससे हमारे इष्ट देवता जल्दी प्रसन्न हो जाए, उसके लिए ही साधना सिद्धि नामक किताब लिखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहे तो ये साधना सिद्धि नामक किताब प्राप्त कर सकता है। इस किताब में उपासना से संबंधित, साधना सिद्धि से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर के साथ साथ विधान भी दिया गया है। जिस किसी भी मनुष्य को चाहिए वो संपर्क कर सकता है 9893128047 और 7649862। ऐसे यह किताब आप जो भी पार्टिसिपेंट यहां पे आए हैं साधना के लिए सबको निःशुल्क दी गई है। उस किताब में सभी पूरी ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब चीज उसमें लिखा गया है। अब आपको यहां पर रह करके अध्ययन भी करना है, मंत्र जप करनी भी करना है। अब उपासना की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि हम मनुष्य हैं, हम अपने नॉर्मल तरीके से जिएंगे तो हम क्यों करें उपासना, उपासना की आवश्यकता क्यों? उपासना करने से ज्ञान का विकास होता है, यह हमेशा ध्यान रखो कि उपासना करने से ज्ञान का विकास होता है। और आजकल के कलयुग में मनुष्य जो है भौतिकवादी चीजों की ओर भाग रहा है और परमात्मा से दूर होता जा रहा है। तो ये जीवात्मा जो मनुष्य के अंदर है वह जीवात्मा परमात्मा से दूर होती जा रही है और संपर्क कम हो गया, क्योंकि आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, जवान पढ़ने लिखने वाले हैं, ये भगवान को भूल गए। अब जब भगवान को भूल गए हैं तो भगवान से दूरियां बना ली इनने, तो इनकी ज्ञान शक्ति काम नहीं कर रही है, क्रिया शक्ति काम नहीं कर रही है, छोटी हो गई है और ये ईश्वर से दूर हो गए हैं। और ये मनुष्यों की अज्ञानता की वजह से हो रहा, और ये अज्ञानता सिर्फ गुरुओं की वजह से हो रहा है। गुरुओं ने ज्ञान देना बंद कर दिया, गुरुओं ने ज्ञान को बेचना चालू कर दिया। या फिर ये कह सकते हैं कि गुरुओं ने ज्ञान बाहर लाने का प्रयास ही नहीं किया, या फिर माता पिता भी उतने ही दोषी है कि उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ कमाने की मशीन बनाने के लिए ही पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया ही नहीं। तो उपासना की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई? क्योंकि मनुष्य ने ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया, क्रिया शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया, और उस जीवात्मा ने परमात्मा को मानना बंद कर दिया। और उपासना से ज्ञान का विकास होता है।
यानी उपासना करने से ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति विकसित होती है, उसी को उपासना कहते हैं। उपासना करने का मतलब है ज्ञान शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी और क्रिया शक्ति में भी वृद्धि होती है, और जब उपासना के फल स्वरूप किसी मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो वह मनुष्य जो है, वह जीव जो है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और उपासना करने से आत्मा की शुद्धि भी होती है, परमात्मा के प्रति प्रेम जगाना पड़ेगा, परमात्मा के प्रति विश्वास रखना पड़ेगी, श्रद्धा रखना पड़ेगी, और पूर्ण रूप से समर्पण भी करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप जो सब लोग आए हुए हैं, तो उपासना में आपको एक समय शुरू शुरू में एक समय भोजन का त्याग करना है। जब भी आप उपासना आराधना साधना प्रारंभ करेंगे, उस दिन से जब तक आपकी साधना चलेगी, आप एक समय भोजन करेंगे और एक समय भोजन के बराबर खाना, किसी गरीब व्यक्ति को खिलाना है, भुखारी को खिलाना है, अगर भिखारी और गरीब व्यक्ति ना मिले तो गाय को खिलाना है या कुत्ते को खिलाना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। साधना उपासना करने के लिए पंचबली का नियम भी बताया गया है। अब पंचबली का मतलब क्या? सबसे पहले मछलियों को खाना खिलाना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना, चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को कसार डालना, पंजेरी जिसको बोला जाता है, गाय को रोटी देना और कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों को भी दाना चुगाना, यह पंचबलि कहलाती है। तो उपासना या साधना में पंचबलि अत्यंत आवश्यक है। जहां भी जैसी व्यवस्था मिल जाए, आप उनको अवश्य भोजन कराइए। यानी आपके हाथों से जितने ज्यादा आत्माएं तृप्त होगी, उतनी आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। और यदि साधना करने से उपासना करने से जो बहुत से सांसारिक लिप्तता होती है, सांसारिक लिप्तता यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब होती है, सांसारिक लिप्तता बोलते हैं इसको। तो सांसारिक लिप्तता से भी मुक्ति मिलती है, और जब सांसारिक लिप्तता से मुक्ति मिल जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष, ये 10 विकार होते हैं, जब भगवत शरण में चले जाओगे, साधना करोगे, उपासना करोगे, तो एक एक करके ये सब पर्दे हटाना है, ये सब पर्दे जलाना है, और ये 10 विकारों को जलाना है, तभी साधना सिद्धि होती, उपासना मिलती है। आप सोचोगे कि केवल जप करते जाओ, लाखों जप कर लो, करोड़ों जप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। केवल जप करने से आपकी शरीर की शुद्धि हो सकती है, आत्मा की शुद्धि हो सकती है, परंतु परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए जो नियम बताए गए हैं शास्त्र में, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लिख करके गए हैं, इनका तो पालन करना ही होगा आपको। तो उपासना करना मानव प्राणी के लिए परम आवश्यक कहा गया है शास्त्रों में, तभी वो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है, या प्रारब्ध कर्म जो पाप कर्म है उनका नाश कर सकता है, और संचित कर्म का भी नाश कर सकता है। तो उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए मंत्रोच्चारण तो करना ही करना है, साथ ही साथ में आपको जिनकी भी उपासना करना है उनकी प्रतिमा लाना चाहिए या उनकी तस्वीर अपने साथ में हमेशा रखना चाहिए, ताकि जब भी अपन ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उपासना करें, कहीं पर भी रहें, उनकी पूजन अर्चन हो सके।
और जैसा मैंने उदाहरण दिया था हनुमान जी के बारे में, तो ऐसे तो हनुमान जी के पास किस चीज की कमी, साक्षात ईश्वर हैं, चिरंजीवी हैं, तो हम क्या दे सकते हैं और ईश्वर को हम क्या दे, ईश्वर हमें देता है, हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं। तो जो कुछ भी है उन्हीं का ही है, तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ मंत्रोच्चारण करके मानसिक उपासना करना है, पूजन अर्चन करना है, और पूजा में जो देवी देवताओं को पूजन सामग्री लगती है वह पूजन सामग्री हमें भाव से चढ़ाना है, मतलब भावना करके चढ़ाना है कि हम वस्त्रम समर्पयानी, तो हम ये सोच रहे कि भगवान जी ने वस्त्र पहन लिए हैं, उपवस्त्रम समर्पयानी यानी भगवान जी ने उपवस्त्र पहन लिए, इस प्रकार की भावना रखते हुए हमें पूजन अर्चन करना है। और पूजन अर्चन के अंदर जो है षोडश उपचार पूजन अर्चन करना चाहिए, और षोडश उपचार पूजन अर्चन का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम कि पंचोपचार पूजा क्या होती है, षोडश उपचार पूजा क्या होती है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने और आपके गुरुओं ने आपको पूजा करना बताया ही नहीं, और अब आपके भाग्य खुले हैं कि आप यहां तक चल के आ गए और अब साधना के लिए आप अग्रसर होने वाले हो, साधना में लिप्त होने वाले हो, यह आपके बड़े पुण्य का काम है कि इस कम उम्र में भी आप हमारे पास तक आ गए हो और आपके मन में साधना करने की इच्छा जागृत हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से व्यक्ति सफल होंगे, मैं भी पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मां जगत जननी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके इष्ट देवता से भी प्रार्थना करूंगा कि मैं आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकूं, और आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर उनकी कृपा जितनी जल्दी हो सके हो सके, परंतु मेरी जो शर्तें हैं उन शर्तों का अवश्य पालन करके रखिएगा कि कभी भी जीवन में मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ भोग नहीं करना, जिस स्त्री के साथ में आपने सात फेरे लेकर के ब्याहता होकर के कन्या दान स्वरूप जिस स्त्री को लाए हो उसी स्त्री के साथ आपको सहवास करना है, अन्य स्त्री के साथ सहवास नहीं करना। यदि आप किसी लड़की को भगा करके ले आए हो तो वह आपकी पत्नी नहीं हो, पाप लगता है, यह अवश्य मान करके चले। इसलिए अपने अंतरात्मा में आप खुद झांक करके देख लेना कि यदि आपके साथ में आपकी धर्म पत्नी के रूप में कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है जिसको आप भगा करके लाए हो, तो यहां से जाने के बाद आपको विधिवत उस स्त्री के साथ में, चाहे बच्चे पैदा हो गए हों तो भी उसके साथ बकायदा विधिवत सात फेरे लेकर के विवाह करना है, तब उसके बाद उसका भोग करना। तो षोडश उपचार पूजा पे हम जा रहे थे, षोडश उपचार पूजा के बारे में हम आपको बता देते हैं क्योंकि यह भी आराधना का एक पार्ट है। इसमें आह्वान किया जाता है, सर्वप्रथम ध्यान आह्वान, आह्वान यानी ध्यान करना। तो शक्तियों का हमने ध्यान किया, उनको आसन प्रदान किया, जब ध्यान करेंगे तो वो आएंगे, तब आपको उनको आसन प्रदान करना है। उसके बाद ये मानते हुए कि भगवान जी आगे हैं, हमारे इष्टदाता आगे हैं, उनके पाद धुलवाना है, उनके पैरों को धोना है, ये भावना करते हुए, सब भावना का खेल है, और ये भावना करते हुए आपको उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरणों को धुला रहे हैं, क्योंकि भगवान जी इतने दूर से चल करके आए, उनको थकान हो गई होगी, तो पैर धोने से थकान उतर जाती है। इसलिए कोई भी मनुष्य जब भी घर से बाहर से आए तो उसके सबसे पहले पैर धुलवाना चाहिए। तो ईश्वर जी को पहले आह्वान करेंगे, आह्वान के बाद उनको आसन देंगे, उनके पैर धुलाएंगे, उनको अर्घ्य देंगे, आचमन करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको यज्ञोपवीत देंगे, चंदन देंगे, गंध अक्षत चावल देंगे, पुष्प देना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, फिर सिंदूर चढ़ाना चाहिए, फिर धूप दीप देना चाहिए, फिर नैवेद्य देना चाहिए यानी भोजन देना चाहिए, फिर पुनराचमन देना चाहिए यानी कि फिर जल पिलाना चाहिए, फिर उनको लौंग इलायची पान देना चाहिए, फिर दक्षिणा देना चाहिए, और फिर प्रदक्षिणा करके आरती करना चाहिए। यह षोडश उपचार पूजा कहलाती है।
तो आप सभी लोगों को ये क्रम याद होना चाहिए कंठस्थ। जब तक आप यहां पे रहेंगे, साधना करेंगे, आप सभी को यह भी याद करना है षोडश उपचार पूजा। आप घबराइए मत, आप हर चीज सीख करके जाओगे, सब पढ़े लिखे हो, भगवान ने अच्छी बुद्धि भी दी है, तो आप मंत्र भी याद करोगे और पूजा का विधान भी याद करोगे, क्योंकि हम अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं। किसी को कोई पूछना हो तो मेरे से प्रश्न कर सकता है, कोई भी शंका हो जो मैं बोल रहा हूं उससे संबंधित, साधना से संबंधित, अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप प्रश्नों को यदि बोलने में हिचकिचाहट होती हो, बहुत से होते हैं कि गुरु के सामने ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, किसी ने उनको ज्ञान दे रखा है कि गुरु जी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, गुरु जैसा बोले वैसा बस सिर झुका करके स्वीकार कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान के मामले में तो गुरु जी से प्रश्न तो कर सकते हो। फिर भी यदि आपके मन में हिचकिचाहट होती हो, शर्माते हो, तो एक पर्ची हमने एक डब्बा रख रखा है साइड में, इसमें आप पर्ची में अपना प्रश्न लिख करके इस डब्बे में डाल दें, नाम भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उस प्रश्न का अवश्य आपको जवाब देंगे ये सेशन समाप्त होने के बाद। तो इस प्रकार षोडश उपचार पूजा साधना काल में अपने इष्ट देव की करना होती है, आह्वान करना होता है, आसन देना होता है, उनको पैर धुलाना होते हैं, उनको अर्घ देना होता है, उनको आचमन कराना होता है, स्नान कराना होता है, यज्ञोपवीत देना होता है, चंदन लगाना पड़ता है, अक्षत लगाना होता है, पुष्प माला देना होती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, धूप दीप यानी दीपक लगा करके सुगंधित द्रव्य इत्र वगैरह दे दीजिए, नैवेद्य लगा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, फिर जल चढ़ा दीजिए, फिर पान लौंग इलायची सुपारी ये चढ़ा दीजिए, दक्षिणा अवश्य चढ़ाना है आपको और प्रदक्षिणा भी अवश्य करिए और आरती कर दीजिए। ये षोडश उपचार पूजा हो गई आपकी, तो षोडश उपचार पूजा भी करना हम आपको यहां पे मंदिर में सिखाएंगे कि षोडश उपचार पूजा कैसे की जाती है। आप चाहें तो इसकी वीडियो भी बना सकते हैं मोबाइल से और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम चल रहे थे कि भावना का खेल होता है, तो भाव से ही हम पुष्प चढ़ाते हैं और भाव से ही हम पूजा करते हैं और उपासना में ही भाव ही पुण्य के कारक होते हैं। तो हनुमान जी के बारे में हम चल रहे थे, तो दुख हरता तो हनुमान जी है ही, हर देवी देवता दुख हरता है, तो उनकी उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, जप किया जाए, मूर्ति पूजन किया जाए, अपने आराध्य देव की सेवा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए और अपनी भावना के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। आप जैसी पूजा करोगे, जैसी भावना करोगे, जितना प्रेम करोगे, वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ लोग देवी को मां स्वरूप मानकर के पूजा करते हैं, उनकी भावना होती है और वैसे ही उनको कृपा प्राप्त होती है, मां से मां स्वरूप ही कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग देवियों को बहन बना लेते हैं, तो वो बहन के रूप में जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वही भावना उनकी होती, वही चीज उनको प्राप्त होती है। तो भगवान कोई भी भगवान हो, उनको प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धन और बल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं भाव के भूखे हैं, तो भावना से ही आपको भगवान को प्राप्त करना है, तो भावना स्वरूप ही आपको उनको माल्यार्पण चढ़ाना है, भावना स्वरूप ही उनको मिठाई देना है, भावना स्वरूप ही आप उनको भोग लगाना है। इसलिए कोई तर्क नहीं करना चाहिए भगवान के बारे में और पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए।
हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई से पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर को पुकारना चाहिए, याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। यानी कि जब तक आप भगवान की स्तुति बोलते हो, भगवान का नाम लेते हो, आपको ये भूल जाना चाहिए कि आप इस दुनिया में हो। भूल गए यानी उस परमात्मा में विलीन हो गए उतनी देर जितनी देर आपने मंत्र जाप किया, जितनी देर आपने पूजा उपासना की। तो उपासना में भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब उपासना या आराधना जल्दी सिद्ध कैसे होती है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। पहली बात है कि व्यक्ति को निष्कपट भाव से प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट का स्मरण निष्कपट, निष्कलंक, या यह कह लीजिए हम दूसरे तरीके में यह भी कह सकते हैं कि निष्काम भाव से करना चाहिए। कोई कामना नहीं होना चाहिए तो भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। तो निष्कपट भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए ईश्वर के चरणों में मन लगाना चाहिए, हमेशा ईश्वर के चरण में सिर झुका करके रखना चाहिए, ईश्वर के चरण में मन लगाना चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने में बोला जाता था कि किसी को धोग देना है, प्रणाम करना है या किसी के चरण स्पर्श करना है तो हम चरण स्पर्श ही करते थे, पैर ही छूते थे, अंगूठा ही छूते थे, क्योंकि चरणों से ही बड़े बुजुर्गों की ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए चरण स्पर्श करने के लिए बोला जाता है। और जब कोई मनुष्य किसी बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श करता है तो निश्चित तौर से बड़े बुजुर्ग का हाथ आपके सिर के ऊपर अवश्य आ जाता है और वह हाथ दुआ ही देता है, कभी भी बद्दुआ नहीं देता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्ग के या ईश्वर के सामने जाएं तो उनकी चरणों की सेवा करना चाहिए, चरणों में ध्यान रखना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग के जब भी धोग दें, धोग का मतलब होता है जब भी चरण स्पर्श करें तो घुटनों को टच नहीं करना है, पूरा झुक करके दोनों हाथों से करना चाहिए, एक हाथ से चरण स्पर्श नहीं किया जाता है, जैसा कि मैंने देखा है। आप लोग भी आए तो बहुत से मनुष्य को मैंने देखा है कि उनने चरण स्पर्श किया और कुछ ने सिर्फ घुटने तक झुक करके बस बैठ गए। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि चरण स्पर्श करने का मतलब है अंगूठा छूना, ताकि उस साधक मनुष्य की अहम की भावना समाप्त हो जाती है। उस साधक मनुष्य में जो मैं शब्द की भावना होती है, अहम जिसको हम बोलते हैं, वो जब तक आपके मन में अहम की भावना होगी तब तक आपको साधना में सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए आपको अहम की भावना समाप्त करना है और उसके लिए चरण स्पर्श करना चाहिए। और अपने इष्ट के सामने पुरुष हैं तो आप सबको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसलिए साधना में क्रोध नहीं करना है, अहम की भावना समाप्त करना है। और अहम की भावना समाप्त करने का मतलब है, क्योंकि आप आश्रम में आए हुए हैं तो आश्रम में आए तो आकर के श्रम कर, आश्रम का मतलब होता है आकर के श्रम करना, इसलिए आश्रम बोला गया है। यानी आपको जब खाना मिला है तो थाली आपको स्वयं को धो के मांझ करके रखना है, अपना पानी का गिलास अपने साथ में रखें और उसको रोजाना धो दिया करें, कपड़े अपने स्वयं रोजाना धोना है, गंदे कपड़े आपको नहीं पहनना साधना काल में। यदि आपको लगता है कि इस आश्रम में मंदिर में कहीं पे गंदगी पड़ी हो तो उस गंदगी को तुरंत साफ कर दो, आकर के श्रम करना आश्रम कहलाता है। तो कहीं पे झाड़ू लगाना है आपको, गंदगी दिख रही तो सवेरे सवेरे झाड़ू भी लगा दीजिए, कहीं पे धुलाई करने की आपकी मन हो रहा है तो धुलाई भी कर दीजिए,
यानी आश्रम की सेवा करना है। यदि यहां पे खाना बन रहा है तो समय आपके पास उपलब्ध हो तो ईश्वर का नाम लेते उस खाना बनाने में भी सहयोग कर दो। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। और कोई भी साधना करो, हमेशा ध्यान रखो अपने स्वयं के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। अब आप सब लोग आए हो, 50-60 व्यक्ति हैं, सब अपने अपने हाथ से कैसे बनाएंगे, 60 चूल्हे तो होंगे नहीं। तो आप सब मिलकर के, क्योंकि साधना में हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए, स्त्री की छाया नहीं पड़नी चाहिए, स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म से युक्त स्त्री से तो बहुत दूर रहना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। शरीर के अंदर काम विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी साधना सफल होगी। तो आपको मोबाइल नहीं देखना है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल, सब हमारे सहायक जो आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे शिष्यगण जो आपके साथ खड़े हुए हैं, यहां के व्यवस्थापक जो आपके साथ खड़े हुए हैं, उनको अपना अपना मोबाइल दे दें ये कार्यशाला खत्म होने के बाद में, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आप मोबाइल लेकर के अपने परिवार वालों का हालचाल पूछ सकते हो, बस। बाकी मोबाइल पे आपको कुछ नहीं देखना, ना तो व्हाट्सएप देखना है, ना कोई स्त्री का चेहरा देखना है, ना आपको कोई पेपर पढ़ना है, और न ही आपको कोई टीवी देखना है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता, कोई मनोरंजन नहीं होता। साधना का मतलब, साधना होता है इस शरीर को भगवान में रमाना। तो कोई मनोरंजन जैसी कोई चीज नहीं होना चाहिए। कोई कैरम नहीं खेलते, कोई गिल्ली डंडे नहीं खेलना है आपको, और कोई फालतू बात भी नहीं करना है। जब भी बात करें सत्संग की बात करें, ईश्वर की ही बात करें, अपने इष्ट के बारे में बात करें, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। और सब एक दूसरे को अपना अपना अनुभव शेयर करें कि इसके पहले आप साधना करने के लिए कहां पे गए थे, साधना में क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार का अनुभव हुआ। साधना में यह भी देखना, कभी स्वाद मत देखा करो खाने पीने में, क्योंकि अपन भगवान से मिलने के लिए आए हैं, या चटोरापन करने के लिए थोड़ी आए कि साहब हमें तो दाल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, रोटी इस प्रकार की होनी चाहिए, या ये वाली ही सब्जी होनी चाहिए। ये स्वाद नहीं देखा जाता। जब भगवान में रमने के लिए, भगवान में डूबने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हुए हो, तो इस शरीर के जितने भी रस होते हैं उन रस को भी त्यागना पड़ता है। अब रस तो आप समझ गए होंगे, जिससे आनंद मिलता है, आंखों से देखने से भी आनंद मिलता है, कानों से सुनने से भी आनंद मिलता है, भोजन खाने से भी आनंद मिलता है, नाक से हम सूंघते हैं तो उससे भी आनंद मिलता है, और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब से कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति होती है। हमें वो आनंद छोड़ना है, हमें वो खूबसूरत चीज नहीं देखना है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। अभी हम आनंद का त्याग करने के लिए आए हैं, हम परमानंद लेने के लिए आए हैं, हमें परमानंद चाहिए। तो सब अपने अपने मोबाइल जमा करा देंगे, एक निश्चित समय शाम को दिया जाएगा, उस समय पे आप सब मोबाइल लेंगे 10 मिनट के लिए, घर परिवार वालों से कुशल क्षेम पूछेंगे और वापस मोबाइल जमा करा देंगे। तो भगवान को समर्पित भाव से, निष्कपट भाव से याद करना है आपको। तो भगवान के प्रति समर्पित होने के कारण ही उपासना आपकी सफल होती है। परंतु जो आपको हो सकता है, आप में से कोई पहली बार उपासना करने के लिए आया हो, कोई दो बार आ सकता है, कोई तीसरी बार भी आया होगा, कहीं और भी उपासना की होगी, बिना गुरु के भी उपासना की होगी, पर बिना गुरु के उपासना साधना कभी सफल नहीं होती है। तो जो पहली बार आया है उन्हें अभी एडजस्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि उनने अभी बहुत रंगरेलियां मनाई है, बहुत टीवी देखा है, बहुत मोबाइल देखा है, बहुत व्हाट्सएप चलाया है, बहुत आपने छोटे छोटे वीडियो देख लिए हंसी मजाक वाले। अब भगवान में डूबने के लिए आप आए हो, तो अपने अपने इष्ट की उपासना क्यों करते हैं? अनिष्टों की शांति करने के लिए करते हैं। कोई तो निष्काम भाव से आता है, कोई सकाम भाव से आए हैं, तो अनिष्टों की शांति, मनोकामना की पूर्ति,
भी उपासना से प्राप्त हो जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी देवी देवता हैं उनकी उपासना साधना करते समय आपको सिर्फ क्या चीज मांगना है, एक तो निष्काम करना है कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए और आप हमें सद्गुणों का विकास करो, किसी की बुराई मत करवाना, किसी की हानि मत करवाना, और मनुष्य को कभी भी यह लौकिक चीज नहीं मांगना चाहिए कि भगवान मेरे लड़के की शादी करा दे, मेरे बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरी सर्विस छूट गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरी मां बहुत बीमार है, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, उनको मैं ठीक कर सकूं, परोपकार कर सकूं। ये लौकिक चीज की मांग कभी भी ईश्वर से नहीं करना चाहिए, साधना काल में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो इससे ऐसा करने से उपासना नष्ट हो जाती है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, कामाख्या माई की जय, भैरव जी महाराज की जय, अपने आपके साथ में आए हुए सभी कुल देवी देवताओं की जय। हो सकता है बहुत से मनुष्य आप जो आए आपके साथ में पितृ देवता भी आए हुए हैं, तो उन सब जो आए हुए पितृ देवताओं की भी जय, क्योंकि मनुष्य जब चलता है किसी अच्छे कार्य के लिए चलता है तो उसके इष्ट देवता उसको लेकर के आते हैं। हो सकता है आप यहां पे आए साधना करने के लिए, तो ये साधना करने के लिए आप नहीं आए, आपके यहां तो इष्ट लेकर के आए कि यहां पे आ जा कुछ मिल जाएगा तेरे को, आपकी कुल देवी भी यहां तक लेकर के आई होगी कि ले कुछ साधना कर ले तेरे पाप कर्म कम हो जाएंगे, आपके कुल देवता लेकर के आ सकते हैं, आपके पितृ देवता लेकर के आ सकते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले ताकि जिंदगी संवर जाएगी, तो आप नहीं आए, आपको लाया गया है। हमेशा मनुष्य जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है, इसलिए भगवान कहता है, क्या कहता है कि तू वह कर जो मैं कहता हूं तो फिर मैं वो सब करूंगा जो तू चाहेगा, परंतु करता तू वो है जो तू चाहता है और होता वह है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए जो भी अच्छे काम होते हैं, पुण्य के काम होते हैं, अनुष्ठान के काम होते हैं, साधना के काम होते हैं, उपासना के काम होते हैं, ये सब ईश्वर ने पहले से लिख दिए हैं और इन सब में अच्छे सकारात्मक शक्तियों का खेल होता है। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों की आत्माओं के साथ में आप सबके जो पितृ देवता आए मैं उन सबको नमन करता हूं, आपके साथ में जो इष्ट देवता है मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपके साथ में आए हुए आपके कुल देवी देवता मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और इन सब से मैं विनती करता हूं कि ऊपर मंदिर में आसन है सबके लिए, आप उन सब आसन पर विराजमान होए। तो हम आपको एक उदाहरण बताने जा रहे हैं कि साधना जो है भावना पर आधारित होती है पूरी। आप अच्छी भावना से आए हैं कि साधना बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, और यदि आपकी भावना खराब है तो साधना सिद्धि मिलने में बहुत समय लगेगा। तो जो मैं 10 विकार बताता हूं वो 10 विकार आपको धीरे धीरे त्यागना है और पूरी तरह से भावना, सात्विक भावना आपको रखना है। अब मैं एक उदाहरण से शायद आपकी भावना के उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा कि ऑपरेशन करने वाला एक डॉक्टर शरीर पर चाकू चलाएगा, क्योंकि उसको काटना ही काटना पड़ेगा शरीर को, और एक क्रूर हत्यारा मनुष्य भी चाकू चलाता है किसी न किसी के ऊपर, परंतु डॉक्टर को उस ऑपरेशन करता है, चाकू चलाता है, छुरी चलाता है, कैंची चलाता है, काटता है, तो डॉक्टर को धन मिलता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है और पुण्य भी मिलता है कि उसने ठीक कर दिया, और जो हत्यारा उसी चाकू से किसी की हत्या कर देता है तो उसे प्राण दंड मिलता है।
तो कार्य तो दोनों का एक जैसा ही हुआ, क्रिया एक ही हुई कि दोनों ने चाकू चलाया और दोनों के कार्य का माध्यम भी एक ही था, दोनों ने छुरा ही चलाया है और दोनों के में रक्त रंजित भी हुए, मतलब खून तो दोनों में निकला। फिर ऐसा अंतर क्यों कि एक को धन मिला, यश मिला, सम्मान मिला और पुण्य भी मिल गया और एक को आत्मा दंड यानी प्राण दंड मिल गया, यानी एक को पुरस्कार मिल गया, एक को दंड मिल गया, तो एक को मान सम्मान, दूसरे को अपमान, और एक का गुणगान लोग बाग कर रहे हैं और एक से घृणा कर रहे हैं, परंतु दोनों की भावना में अंतर था इसलिए ऐसा हुआ। जो डॉक्टर था उसकी भावना थी कि मैं इसके रोग को ठीक करूंगा, रोग मुक्त करूंगा और यह मनुष्य सुखी और संतुष्ट हो जाएगा, और जिसने हत्या की उस मनुष्य की भावना व्यक्ति को असमय मौत देना थी, बस इसलिए दोनों की भावना में अंतर होने की वजह से दोनों को मिलने वाला फल जो था वह अलग अलग रहा और भयंकर अंतर रहा। तो इसी प्रकार से जिसकी भी उपासना की जाए, यदि हमारे भाव दूषित होंगे तो भगवान हम पर कृपा अनुकंपा नहीं करेंगे, और हमारी उपासना का फल ही नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें भाव के हृदय की निर्मलता चाहिए। पहली शर्त है कि हृदय में निर्मलता होना चाहिए। अब हृदय में निर्मलता का मतलब क्या? हृदय में निर्मलता यानी एक बच्चे के माफिक आपका मन होना चाहिए, उसे निर्मल मन बोलते। बच्चे के माफिक, अब चूंकि आप इतने बड़े बन चुके हो तो बच्चे जैसा मन कैसे बना पाओगे? अब आपके इसमें काम विकार भी उत्पन्न हो गए हैं, सहवास की इच्छा भी उत्पन्न हो गई है, पेट की जठाग्नि भी उत्पन्न होगी, राग देश भी उत्पन्न हो गए हैं। अब आप बड़े भी हो गए हो, आपको लाज शर्म भी आने लगी, तो आपको बाल्य अवस्था में कैसे जाओगे कि आपको कोई शर्मा शर्मी ना हो? तो हृदय की निर्मलता कैसे आएगी? और साधना उपासना में पहली शर्त है निर्मलता, यानी आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। इसका अर्थ यह कि आपको न तो क्रोध करना है, क्रोध को भी हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। यदि साधना उपासना करना है तो क्रोध को त्यागना होगा, भूख पर नियंत्रण करना होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, तो हृदय की निर्मलता तभी आएगी। और हृदय की निर्मलता के लिए आपको लोभ छोड़ना होगा, पैसे का लोभ, और अपने बीबी बच्चे माता पिता भाई बहन का मोह, और तीसरी है बुराइयों से दूर रहना। और हृदय की निर्मलता कब आती है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट का साहित्य का मनन करें, चिंतन करें, उसको पढ़ें और आत्मसात कर ले, तो मन में निर्मलता अवश्य आ जाएगी। करके देखना, अब 21 दिन की कार्यशाला चलेगी, 21 दिन तक साधना से संबंधित रोजाना बताया जाएगा आपको, और रोजाना जो आपने साधना की उसमें यदि किसी को कोई अनुभव हो तो मुझे व्यक्तिगत तौर से बताए। एक दूसरे को आपको अपना साधना का अनुभव नहीं बताना है। हो सकता है किसी को साधना का अनुभव बहुत जल्दी होगा, किसी को बहुत ज्यादा देर से भी हो सकता है, और हो सकता है किसी को अनुभव नहीं हो फिर भी झूठ भी बोल सकते हैं आप में से कोई लोग कि नहीं मुझे तो ऐसा ऐसा सपना आया, चाहे नहीं आया हो तो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तो ऐसा मत करना। मैं जानता हूं कई जन्म हो जाते हैं साधना और सिद्धि लेते लेते, भगवान की कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यदि किसी को इस 21 दिन के दौरान कोई भी सपना नहीं आए तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, आगे का समय अपने लिए ही है। किसी को कोई दर्शन न हो, किसी को कोई अनुभव नहीं हो तो कोई बात नहीं,
आप ये सोच के चलना आपने ये साधना उपासना की तो आपके पिछले जन्म के पाप कट गए, या आप बहुत बड़ी मुसीबत में थे, मुसीबत आने वाली थी, वो मुसीबत से आप बच गए। तो आपको अधिक से अधिक धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना है, प्रभु की आराधना करना है और प्रभु का उपासना करना है। और जो 10 विकार बताए मैंने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे हम दूर हो चुके, उन पर विजय प्राप्त करना है आपको। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो क्या कम से कम भगवान इतना तो कर ही सकता है कि कोई सांसारिक वस्तु न मांगकर उनके चरणों में भक्ति की भावना की वृद्धि ही, यही मांगते रहो आप बस। और कभी भी साधना जो होती है, उपासना होती है, उसमें सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। आप लोग भी संकल्प लेंगे साधना करने का तो कभी भगवान से सौदेबाजी मत करिए कि मैं ये साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, तो इसमें मेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को ये पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरे को ये धन दौलत मिलना चाहिए, मेरी पदोन्नति हो जाना चाहिए, या मेरे को कोई सिद्धि मिल जाना चाहिए, ऐसा इस प्रकार का सौदेबाजी भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, साधना और उपासना और सिद्धि निष्काम भाव से प्राप्त होती है। और सरल हृदय से प्राप्त होती है, प्रभु से मांगिए, मना नहीं कर रहे कि मत मांगिए, परंतु सद्भाव मांगना है, ज्ञान मांगना है, भक्ति का वरदान मांगना है, और अपने ईश्वर से, अपने इष्ट धात्री से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कभी भी आपको भूलू नहीं, मुझे आपकी भक्ति मिले और आपका प्रेम मिलता रहे, बस ये चीज मांगना चाहिए। तो यदि ये चीज आपको मिल जाती है तो संसार के समस्त सुख आपके कदमों में अवश्य होंगे, क्योंकि परमात्मा वो जानता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, वह स्वतः पूर्ण कर देते हैं, आप उनमें डूबने का प्रयास तो करो, आप उनका नाम लेने का तो प्रयास करो, आप उनका ध्यान करने का तो प्रयास करो। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट, ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम हम शं नम गं फं सं खं महाकाल भैरवाय नमः, त्रीम 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 होम होम इस्रीम इस्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद, त्रीम 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 होम होम इस्रीम इस्रीम, ह्रीम त्रीम ओम ह्रीम वशत त्रीम ओम। तो इस प्रकार के ध्यान मंत्र हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो जिस भी देवी देवता की करनी है उनसे आपको मांगना नहीं है, और विशेष तौर से भौतिकवादी चीज तो बिल्कुल भी नहीं मांगे। और उपासना और साधना से जो आपको शक्ति प्राप्त होती है उससे आपको विजय अवश्य मिलेगी। और उपासना साधना में श्रद्धा मस्ट कंपलसरी है, श्रद्धा ही सिद्धि है बेसिकली। यदि आपके मन में अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आपको पूर्ण विश्वास रखना होगा, पूरी आस्था रखना होगी, ये ही मान करके चलें। और साधना मार्ग में असफलता भी मिल सकती है, असिद्धि भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में आपको सिद्धि प्राप्त हो ही जाए, और अक्सर ऐसा होता है कि पहले प्रयास में सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि पहले प्रयास में तो आप सीखते हो। जैसे हम कहते हैं ना, पहला पढ़ा होता है पहली से पांचवी तक पढ़ना, जिसमें बच्चे को यह पढ़ाया जाता है कि वास्तव में पढ़ाई होती क्या है,
क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों स्कूल जाना चाहिए, क्यों रूटीन बनना चाहिए कि क्यों हमें जल्दी सोना चाहिए, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों रोज स्कूल जाना चाहिए, क्यों किताबी ज्ञान लेना चाहिए। हम पहली से पांचवीं तक पढ़ते हैं और पांचवीं तक ये पहला सोपान जिसको बोला जाता है, पहली सीढ़ी। इसलिए इसमें कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है तो घबराना ही नहीं। तो यदि आप सफल होना चाहते हो तो तपस्या करना है आपको, लगन से करना है, तप करना है, त्याग करना है, दृढ़ संकल्प करना होगा। अब तप का मतलब जैसे मैंने बोला कि एक समय आपको भोजन करना है, बिना नमक का भोजन करना है 21 दिन तक, एक समय आपको दूध और फल फूल पे रहना है। और आप में से यदि किसी को गोली दवाई शुगर ये बीमारी हो तो वो भी दूसरा आइटम उनके लिए बनाया जाएगा, वो खा करके गोली दवाई ले लें। और जिनको गोली दवाई नहीं चलती हो वो दूध जूस फल फूल लेकर के एक समय पे उपवास करना है, एक समय पे भोजन करना है, भोजन भी बिना नमक का आपको करना है। तो आपको तप, इसी को तप कहते हैं, त्याग करना होता है। भोजन का त्याग है, कंबल पर आपको सोना है, बिस्तर का त्याग होता है, नींद का त्याग करना यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, इस प्रकार का इसको त्याग करना बोलते हैं। दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। कल आप सब लोगों का नांदी श्राद्ध कर्म होगा, क्योंकि साधना करने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना भी अनिवार्य होता है। नांदी श्राद्ध कर्म हो सकता है अभी तक आपने किसी ने नहीं करवाया होगा, हो सकता है आप साधना के लिए भी गए होंगे तो भी आपकी साधना कई बार खंडित भी हो गई होगी और किसी गुरु ने आपका नांदी श्राद्ध कर्म नहीं करवाया। तो नांदी श्राद्ध कर्म का मतलब होता है कोई भी संकल्प लेने के पहले साधना का, उपासना का, सिद्धि के लिए। तो घर में यदि किसी प्रकार का कोई भी दोष हो जाता है, किसी के यहां बच्चा उत्पन्न हो जाता है 21 दिन के दौरान, या घर में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो जो सूतक पातक लग जाता है उस सूतक पातक का दोष नहीं लगता, आपकी साधना खंडित नहीं होती है, आप भगवान की पूजा कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका संकल्प रहता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म कराया जाता है। तो यह नांदी श्राद्ध कर्म कल सबका होगा ताकि आपके परिवार में कभी भी किसी भी वक्त अचानक कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, बच्चे पैदा हो सकते हैं, किसी की मौत हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो सूतक लगने पर आपको फिर यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। और अब यहां से छोड़ के आपको नहीं जाना है, 21 दिन यहीं पर ही रहना है। तो आपकी साधना खंडित न हो इसके लिए आपको कल नांदी श्राद्ध कर्म कराया जाएगा, उसके बाद साधना का संकल्प होगा। तो तप करना होता है, त्याग करना होता है, दृढ़ संकल्प लेना होती है, तपस्या करनी होती है। इसके लिए आपको बार बार अपनी दृढ़ इच्छा को यानी उद्देश्य को यानी संकल्प को दोहराना होगा और ईश्वर को श्रद्धा भाव से हृदय में बिठाना होगा, तभी आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो यह हुई उपासना और साधना। इसमें अपने शरीर की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी है। आंतरिक स्वच्छता का मतलब हो गया साधना उपासना करते हैं तो दूध ज्यादा पीना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी फल खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, गरम मसाला युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, मन पर कंट्रोल करना चाहिए, सांसारिक सुख भोग इसका भी संयम उपासक को रखना चाहिए, तभी साधना का आनंद प्राप्त होगा। और वाणी से भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी के हाय नहीं लेना, किसी की बद्दुआ लेना नहीं है, कोई भी गलत विचार मन में नहीं लाना है, यह भी उपासना का एक भाग है। और अपने इष्ट का, विशेष तौर से अपने इष्ट का जितना हो सके साहित्य पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार मंत्र को बोलना चाहिए और उसी में ही डूब जाना चाहिए। ये उपासना में सहायक बनते हैं।
अब उपासना में जीवात्मा तथा परमात्मा बहुत गहन विषय है उपासना और साधना। अब एक घंटे का लंच टाइम होने वाला है, एक घंटे का लंच टाइम होगा, एक घंटे के बाद पुनः इसी स्थान पर इसी जगह पुनः मिलते हैं। शांति से अब आप भोजन ग्रहण करेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ब्रीम हनुमते राम दूताय नमः। ओम मनोजम मारुतो तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुखम श्रीराम दूतम शरण प्रपद्ये। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ये माँ अन्नपूर्णा का मंत्र है। मनुष्य को जिसके यहाँ पर धन धान्य की कमी हो, अन्नपूर्णा की कमी हो, देती हो, उस परिवार को इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं लं लं अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः।